माननीय मुख्यमंत्री जी का कमल सीधा श्रद्धांजलि मंच की तरफ आप देख पा रहे हैं। मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जी। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम तारकिशोर जी यहाँ पे आए और उन्होंने वृक्षारोपण किया, मुसाफिर जी के श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों से मुलाकात की और उन्होंने सांत्वना दी। कैसा लगा मतलब मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ? जारी रहेगा हमेशा, मुसाफिर पासवान जी का हमेशा सोच था कि गरीब लोगों को हमेशा सम्मान करें, उनको ज़रूरतमंद लोगों को मदद करें। जब आप बिहार में जब दूसरी बार कोरोना लॉकडाउन हुआ तो उस समय में हमने पटना में हॉस्पिटल में खाने का व्यवस्था किया, पूरे पटना में लोगों को ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा रहे थे। और उस समय में माननीय विधायक जी ने हमें फ़ोन करके कहा कि हम मुजफ्फरपुर में सभी को हम खाना खिलाना चाहते हैं। और उस समय में अमर पासवान जी और पार्टी के सभी साथी और मुसाफिर पासवान जी ने मुजफ्फरपुर में पीएमसीएच या अन्य हॉस्पिटल में सब जगह उन्होंने खाना बनवाया खुद के आवास पे और सबके घर घर तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया। तो हमेशा उनका सोच था कि गरीब ज़रूरतमंद लोगों को खाना मुहैया कराएं। आज उसी को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं को विचार को आगे बढ़ाते हुए आज हमने निर्णय लिया कि एक महीना तक निरंतर जिला में कार्यक्रम चलेगा और उनके सम्मान में, और एक हफ्ते का राशन 10,000 परिवार को हम लोग वितरण करेंगे और एक महीने तक कार्यक्रम पार्टी के सभी पार्टी के सदस्य और अमर पासवान जी सब मिलके लोगों तक पहुंचाएंगे। और ऐसे मौके पे हम परिवार के साथ हैं, परिवार के हर एक व्यक्ति के साथ हैं और हमेशा मजबूती से पार्टी के साथ उन्होंने कंधे से कंधे मिला के चलें, क्योंकि आपको पता ही है कि बिहार में बहुमत किस तरीके से है। अन्य पार्टी के लोग भी और बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें उनके बीच में रखा और बहुत सारे लोभ लालच देने की भी बात की है, लेकिन उन्होंने इस सब बात को परवाह किए बगैर मजबूती से पार्टी के साथ रहें। और आज मेरा भी फर्ज बनता है कि मजबूती से मुसाफिर पासवान भले नहीं है लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे उनके विचारों को लेकर आगे बढ़े और उनके परिवार के साथ हम लोग रहें। सर, उनका एक मतलब विधानसभा का सवाल भी था, अभी आया भी है डीएम साहब के यहाँ,
वो प्रखंड मुख्यालय और अंचल मुख्यालय के निर्माण को लेकर उनके तो उनकी एक अंतिम इच्छा थी, अभी डीएम साहब के आया हुआ भी है, यहाँ साहब उनका सवाल भी था उसको लेकर, चूंकि जिला प्रभारी मंत्री भी हैं आप, तो इस मामले को लेकर क्या करेंगे? लास्ट उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन एक उन्होंने जाते जाते एक हमारे विभाग के लिए भी उन्होंने क्वेश्चन किए, सवाल किए थे कि उनको खास करके बोछा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मत्स्य पालक भाई को ट्रेनिंग के लिए सेंटर बनाया जाए, तो उसके लिए वो तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका जो सवाल आया था उस पर हम लोग विभाग के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया, आने वाले समय में बोछा विधानसभा के अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर हम फिशरीज का ओपन करने खोलने के लिए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष में अभी सरकारी सिस्टम है, अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग इसका सिस्टम करें, जमीन अधिग्रहण करके और एक बड़ा भवन हम लोग करेंगे। मुसाफिर जी लगातार लगे हुए आपके साथ साथ, तो आज हम सीधा हमने कह दिया ना, आज हम उनके परिवार के साथ है और ये समय नहीं है बहुत सारा बात करने का, फिर समय आएगा तो सभी बात होगा और हम मुसाफिर पासवान जी के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। सर जी, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम तारकिशोर जी यहाँ पे आए और उन्होंने वृक्षारोपण किया, मुसाफिर जी के श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों से मुलाकात की और उन्होंने सांत्वना दी। कैसा लगा मतलब मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ? जी बहुत अच्छा लगा, उनको हम लोग दो दिन पूर्व ही कार्ड देने गए थे और उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और उन्होंने इस दुख की घड़ी में आके हम लोगों का साथ, इस घड़ी में साथ निभाया और यहाँ पे आके हमें सांत्वना दी, है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और आगे की बातें कर। अपना परिचय? मैं उनका मुसाफिर पासवान जी का छोटा पुत्र अमर पासवान।